Hello dear students, welcome to this online mathematics class. आप standard 12 में मेरे साथ maths पढ़ रहे हैं. Okay. और मैं आपको maths सिखा रहा हूँ ऐसा तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आपको आपकी नियत ही आपको सिखा सकती है. इसलिए आपकी नियत होनी चाहिए. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं. एक्सरसाइज 5.7 में एग्जांपल नंबर 11 की y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x देन प्रूव दैट दिस. तो सबसे पहले यहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की है, तो इस इक्वेशन को हम नंबर 1 देंगे. डिफरेंशिएट y with respect to x, so we will get dy by dx is equal to 5 constant, cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x माइनस 3, साइन का डेरिवेटिव होगा cos x. आप समझ रहे हैं? Therefore dy by dx is equal to माइनस 5 साइन x माइनस 3 cos x, इक्वेशन नंबर 2. अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि दो बार तो यहां पर डिफरेंशिएशन लेना ही लेना है. तो हमें क्या मिलेगा यहां पर? d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 कांस्टेंट, sin x का डेरिवेटिव cos रहेगा माइनस 3, और cos का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस sin x रहेगा. माइनस माइनस से प्लस, दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं, तो 5 cos x माइनस 3 sin x, एंड वी नो वेरी वेल दिस इज द y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. y को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, सो देयरफॉर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0. y को इस फॉर लेके आएंगे तो इट बिकम पॉजिटिव, हेंस टू जो हमें प्रूव करना है मिल गया. क्लियर दोस्तों? एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये सब पता चले. दोस्तों एग्जांपल नंबर 12 वो आप खुद करेंगे ऐसा मैं चाहता हूं. एग्जांपल नंबर 12 सेल्फ प्रैक्टिस करें आप. एग्जांपल नंबर 13 में देखिए, 13 में इफ y is equal to 3 cos of log x plus 4 into sin of log x. So that क्या बताना है? x square into y2 plus x y1 plus y is equal to 0. देखिए दोस्तों, प्रूफ जो भी करना है वो हो जाएगा, लेकिन we must follow its proper method. सबसे पहले हम इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे. नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव होगा dy by dx इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव रहेगा माइनस साइन ऑफ log x इनटू log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन x प्लस 4 कांस्टेंट रहेगा दोस्तों, साइन का डेरिवेटिव होगा cos ऑफ log x इनटू log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन x. सो हियर वी विल गेट dy by dx आल्सो कैन रिटन एज y1 माइनस 3 ऑफ साइन 3 इनटू साइन ऑफ log x डिवाइड बाय x प्लस 4 इनटू cos ऑफ log x होल डिवाइड फॉर, हम कह सकते हैं यहां भी 4 यहां भी सॉरी x यहां पर भी x बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x को यहां लेकर के आ सकते हैं x y इज इक्वल टू माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos ऑफ log x इक्वेशन नंबर 2. दोस्तों डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर हमें यूज करना होगा प्रोडक्ट रूल. x कांस्टेंट y का डेरिवेटिव y2
सॉरी वाई वन का वाई टू होगा, वाई टू कॉन्स्टेंट और एक्स का डेरिवेटिव रहेगा वन, माइनस थ्री इंटू साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ लॉग एक्स, और अब इनर मोस्ट फंक्शन लॉग का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन एक्स। क्या आप समझते हैं, आपको समझ में आ रहा है सबको? फोर कॉन्स्टेंट कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन एक्स। एक्स यहां से हम कॉमन लेंगे और लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर बाय टू। हाँ, यहां पर y1 वन एज इट इज रहेगा प्लस एक्स इंटू वाई वन रहेगा इज इक्वल टू माइनस, देखिए दोस्तों यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, माइनस कॉमन थ्री इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस फोर इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ओके, इनका क्या मतलब हुआ? तो इनका मतलब हुआ वाई अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर वन, सो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई, वाई को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज द रीजन विच वी हैव टू प्रूव। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा, शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर ये जो 12 दिया है मैंने आपको, वो आप घर से प्रैक्टिस करें, और एग्जाम्पल नंबर 16 जो है डू योर सेल्फ, मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूं, e रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, सो दैट डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर मीन्स वाई टू इज इक्वल टू वाई वन होल स्क्वेयर बताना है। तो ऐसा बताने के लिए हम पहले इसे इक्वेशन वन नाम देंगे, यहां पर हमें ये e रेस टू वाई। तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह प्रैक्टिस करने के लिए ये जो वैल्यू है आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या तो फिर हम ये भी तो कह सकते हैं e रेस टू वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन, कह सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये भी कह सकते हैं। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस वन, इसे हम इक्वेशन नंबर वन नाम देंगे। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? अब आप इसका डिफरेंशिएशन लेंगे एक टाइम, तो हमें वाई वन मिलेगा उसे इक्वेशन नंबर दो देंगे, फिर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन लेंगे और y2 फाइंड करेंगे, समझ रहे हैं आप? फिर आप ये खुद समझ लेना कि किस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको यहां से प्रॉब्लम है तो इसे इक्वेशन नंबर वन देकर के e रेस टू y का डिफरेंशिएशन e रेस टू y और यहां पर डिवीजन रूल अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हो। मेरे ख्याल से एग्जांपल नंबर 16 में आधा किया हुआ है, आधा भी मैंने आपको हिंट दी है, आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए एग्जाम्पल के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।